मैं हूँ बरखा और ये पश्चिम भारत का तरकाली गांव। इस गांव के समुद्र तट पर लोग दूर दराज से शंख और सीपियां देखने और इकट्ठा करने आते हैं। तो चलिए हम भी कुछ बटोर लें। ये मेरे पास कुल मिला के 47 सीपियां हैं और इनमें से ये 20 बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। इन्हें मैं 4 बराबर हिस्सों में बांटना चाहती हूँ, एक मेरी बहन के लिए, एक मम्मी पापा के लिए, एक मेरी दोस्त रानी के लिए और एक मेरे लिए। तो चलिए बांटते हैं। मम्मी पापा के लिए, बहन के लिए, रानी के लिए और मेरे लिए। एक 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 मम्मी पापा के लिए, बहन के लिए, रानी के लिए, मेरे लिए और ये बन गए 4 हिस्से। ये 5 मम्मी पापा के लिए, 5 बहन के लिए, 5 रानी के लिए और 5 मेरे लिए। तो ये 20 सीपियाँ हमने बराबर बांट दी। इस बांटने की प्रक्रिया को हम ऐसे लिख सकते हैं और इस चिन्ह को हम डिवीजन सिंबल कहेंगे। जब मैं रास्ते पर से जा रही थी तो वहाँ एक गोलगप्पे का ठेला था। वहाँ एक परिवार जम के गोलगप्पे खा रहा था। जब सबका पेट भर गया तो गोलगप्पे वाले ने कहा कि आप सबने 8-8 गोलगप्पे खाए और कुल मिला के आपके 48 गोलगप्पे हो गए। अब मेरा सवाल ये है कि उस परिवार में कितने सदस्य थे। हमें ये पता है कि हर एक ने 8 गोलगप्पे खाए। अब हमें ये देखना है कि 48 में कितने 8 समाए हुए हैं। 8 + 8 = 16, 16 + 8 = 24, 24 + 8 = 32, 32 + 8 = 40, 40 + 8 = 48, 48 मतलब 48 में 8 के 6 समूह समाए हुए हैं। इसीलिए उस परिवार में 6 सदस्य थे। इसे हम 6 × 8 या 6 × 8 भी कह सकते हैं। ये जो द्वीप दिख रहा है वहाँ पर जाने के लिए यहाँ से एक छोटी नाव चलती है, लेकिन उस नाव में सिर्फ 4 लोग बैठकर जा सकते हैं और मैं गिन रही थी। अब तक कुल मिलाकर 48 लोग उस द्वीप पर जा चुके हैं। अब मेरा सवाल ये है कि उस नाव ने कितनी फेरियाँ लगाई हैं अब तक। आप ये पहेली सुलझाइए, मुझे घर जाना है।